Hello people, a very good welcome to our YouTube channel and Lightning Management Tutorials. I hope you all are fine and safe. So today we will start a very interesting and also confusing topic, but interesting topic hai and also important one also, theek hai? Aur wo topic hai, difference between customer and consumer, theek hai? तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो इसी टॉपिक के ऊपर होगा. डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे हु इज़ कस्टमर, हु इज़ कंज्यूमर एंड व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज टर्म्स. सो जल्दी से हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं. इससे पहले जो वीडियोस थी उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन चेक इट आउट देयर. एंड डोंट फॉरगेट, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ एंड कंटेंट देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर इट. एंड इफ़ यू आर न्यू एट माई चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियोज़ एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू नोटिफिकेशन. नाउ लेट्स बिगिन आर टुडे सेशन. तो अब ये जो टर्म है कस्टमर एंड कंज्यूमर, ठीक है, अब यहाँ पे हम दो टर्म्स का या दो वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, कस्टमर एंड कंज्यूमर. अब मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ करे जाते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं, ठीक है. सेम उसी तरीके से अगर हम इन दोनों टर्म्स की बात करें अपने कस्टमर एंड कंज्यूमर की, इसको हम एक सेम वर्ड की तरह लेते हैं कि कस्टमर भी एक ही होता है और कंज्यूमर भी होता है, चाहे कस्टमर बोलो चाहे कंज्यूमर बोलो, बट ऐसा नहीं है. दोनों ही वर्ड्स जो हैं डिफरेंट हैं, दोनों का जो मीनिंग्स है ऑल टुगेदरली डिफरेंट मीनिंग है. कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे हम कस्टमर और कंज्यूमर को एक या सेम कंसिडर कर सकते हैं, बट अगर देखा जाए तो कस्टमर और कंज्यूमर दोनों डिफरेंट हैं, दोनों का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है. तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कस्टमर कौन होता है, इंडिविजुअली समझेंगे कि हु इज़ अ कस्टमर एंड हु इज़ अ कंज्यूमर, और फिर बाद में हम अपने डिफरेंस को क्लियर करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कस्टमर के साथ. हु इज़ अ कस्टमर, कस्टमर कौन होता है? अ कस्टमर इज़ अ पर्सन हु बायज गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलरली फ्रॉम दी सेलर एंड पेज फॉर इट टू सेटिस्फाई देयर नीड्स और डिमांड्स और डिज़ायर. मतलब कस्टमर वो पर्सन है जो गुड्स और सर्विसेज को बाय करता है, ख़रीदता है रेगुलरली अपने सेलर से, और उसके इन रिटर्न वो उसको पेमेंट कर रहा है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए. बहुत टाइम जब एक कस्टमर जो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो कंज्यूमर भी हो जाता है और कभी कभी नहीं. मतलब जो अभी तक हमने इस डेफिनेशन से समझा, मतलब कस्टमर वो है जो जा रहा है मार्केट में, जा रहा है परचेजिंग कर रहा है, बाइंग कर रहा है गुड्स और सर्विसेज की अपनी नीड्स को, गुड्स को, डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है. लेकिन कभी कभी सिचुएशंस में क्या होता है, कस्टमर जो कि प्रोडक्ट बाय कर रहा है, परचेज कर रहा है, वो कंज्यूमर भी बन जाता है, लेकिन किसी किसी केसेस में नहीं. अगर हम एक एग्जांपल लें, इफ वी टेक एन एग्जांपल, जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट अवर पेरेंट्स, ठीक है, अगर हमारे पेरेंट्स ने अपने चिल्ड्रन के लिए कोई भी गुड या प्रोडक्ट परचेज किया तो वहाँ पे पेरेंट्स को हम कंसिडर करेंगे कस्टमर, लेकिन जो कंज्यूमर है उसको कंज्यूम करने वाला कौन है, हमारा चिल्ड्रन. तो हम चिल्ड्रन को लेकर चलेंगे कंज्यूमर. तो ज़रूरी नहीं है कि जो परचेजिंग कर रहा है, जो बाइंग कर रहा है हमारे गुड्स की, प्रोडक्ट की, वही उसको अल्टीमेटली कंज्यूम करे. तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि ज़रूरी नहीं होता जो परचेजिंग करके आ रहा है वो ही उसको फाइनली कंज्यूम करेगा. कस्टमर वो है जिसने उस प्रोडक्ट की, उस गुड की बाइंग करी, परचेजिंग करी, इन रिटर्न में उसको पेमेंट करा, दैट इज़ द कंज्यूमर, ठीक है. अब कस्टमर्स को हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेंगे, ट्रेड कस्टमर एंड द फाइनल कस्टमर, ठीक है. तो ट्रेड कस्टमर कौन से होते हैं? ट्रेड कस्टमर वो होते हैं जो गुड्स को खरीदते हैं, प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं और आगे जाके उसको रीसेल कर देते हैं. एग्जांपल में आ गए हमारे होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स. उन्होंने प्रोडक्ट्स को खरीदा, गुड्स को खरीदा, जैसे कि अगर हम रॉ मटेरियल्स की बात करें, रॉ मटेरियल्स खरीदे या कोई भी प्रोडक्ट खरीदा और उसमें अपना वैल्यू एडिशन करा और आगे जाके उसको रीसेल कर दिया,
तो वो हो गए हमारे ट्रेड कस्टमर्स, और सेकंड होते हैं हमारे फाइनल कस्टमर। फाइनल कस्टमर कौन से होते हैं? जो प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को लेते हैं अपनी नीड्स को, डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए। मतलब वो खुद के लिए परचेजिंग कर रहे हैं, खुद के लिए प्रोडक्ट्स को, गुड्स को ख़रीद रहे हैं। ट्रेड कस्टमर उसको ख़रीद के उसमें वैल्यू ऐड करके आगे रीसेल करते हैं, लेकिन जो फाइनल कस्टमर्स होते हैं वो परचेजिंग करते हैं, बाइंग करते हैं गुड्स की और प्रोडक्ट्स की अपने खुद के कंजम्पशन के लिए, अपने खुद की नीड्स और डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए। सो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हु इज़ अ कस्टमर। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द हु इज़ अ कंज्यूमर। सो नाउ अब हम डिस्कस करेंगे हु इज़ अ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु परचेजेस द प्रोडक्ट फॉर हिज और हर ओन नीड, जो अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए परचेजिंग करता है और फाइनली उसको कंज्यूम कर लेता है। अगर इन सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो किसी भी प्रोडक्ट या गुड का जो एंड कंज्यूमर है, जो एंड यूज़र है, उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। अब यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में कंपैरिजन दिया गया है, अब हम उसको देखते हैं। तो कस्टमर कौन होता है? ही इज़ द वन हु इज़ परचेजिंग द गुड्स। जो बाइंग करता है, जो परचेजिंग करता है, उसको कह देंगे हम कस्टमर। लेकिन कंज्यूमर कौन है? हु इज़ द एंड यूज़र ऑफ द गुड्स। जो उन गुड्स को, प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज का जो एंड यूज़र है वो होगा हमारा कंज्यूमर। नेक्स्ट, जो कस्टमर है वो गुड्स को परचेज करके आगे रीसेल भी कर सकता है, जैसे कि हमने ट्रेड कस्टमर के अंदर डिस्कस किया था। लेकिन कंज्यूमर के केस में कंज्यूमर सिर्फ कंजम्पशन के लिए है, उसका एंड यूज़र है, वो उसको आगे रीसेल नहीं कर सकता। देन यहाँ पे कस्टमर के केस में जो हमारा मोटिव है बाइंग का, वो खुद के लिए भी हो सकता है और रीसेलिंग के पर्पज़ के लिए भी हो सकता है। लेकिन अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो यहाँ पे जो मोटिव होगा हमारा बाइंग का, वो सिर्फ अपनी खुद की कंजम्पशन के लिए होगा। नेक्स्ट है हमारा, जो गुड्स आप परचेजिंग कर रहे हो उसकी पेमेंट वो कौन करेगा? ऑब्वियसली कस्टमर परचेज करके आ रहा है, बाइंग करके आ रहा है, तो कस्टमर ही करेगा। लेकिन कंज्यूमर के केस में ज़रूरी नहीं है जो पेमेंट है वो कंज्यूमर करे, हो सकता है उसके लिए परचेजिंग कस्टमर करके ला रहा हो। जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल डिस्कस किया था, कोई भी अगर एक पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन के लिए कुछ भी, कोई भी गुड या कमोडिटी परचेज करते हैं, ठीक है, तो परचेजिंग करने वाले कौन हुए? हमारे पेरेंट्स हुए। तो उनको हमने बोल दिया कस्टमर, पेमेंट उन्होंने करी। लेकिन जो उसका एंड कंज्यूमर है, उस गुड को जो यूज़ करेगा, वो हुए उनके चिल्ड्रन, तो वो हो गए कंज्यूमर। अब यहाँ पे पेमेंट तो कंज्यूमर ने नहीं करी ना, तो ज़रूरी नहीं है कि जो परचेजिंग करे कंज्यूमर तो उसकी पेमेंट भी वही करे, उसके लिए वो चीज़ कस्टमर कर सकता है। नेक्स्ट इज़, जो कस्टमर है वो हमारा इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर कोई ग्रुप भी हो सकता है। ग्रुप मतलब जैसे कोई फर्म है, ठीक है, किसी ने रॉ मटेरियल्स परचेज करे हैं अपनी कंपनी के लिए, तो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और ग्रुप भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम कंज्यूमर की बात करेंगे तो कंज्यूमर, कंज्यूम करने वाला कोई सिंगल इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक पूरी फैमिली भी हो सकती है और ग्रुप भी हो सकता है। सो अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। मतलब कस्टमर और कंज्यूमर दो अलग अलग हैं, दोनों का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। कस्टमर परचेजिंग करके कंज्यूम भी कर सकता है, लेकिन कंज्यूमर के केस में ज़रूरी नहीं है जो बाइंग है, परचेजिंग है, वो कंपलसरी कंज्यूमर ही करे। जो परचेजिंग का काम है, बाइंग का काम है, पेमेंट का काम है, वो कस्टमर का भी हो सकता है। लेकिन जब एक कस्टमर परचेजिंग करके, बाइंग करके फाइनली उसको कंज्यूम कर लेगा, तो वही कस्टमर फिर कंज्यूमर भी कहलाएगा। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। आई होप यू ऑल क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। वी विल टेक इन अवर नेक्स्ट सेशन। सो मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।